Hey guys, welcome back to our channel. तो आज हम वैगनर 2020 का रिव्यू देने वाले हैं। वैसे तो इसका ओनर मैं ही हूँ, तो वैसे यार जो ये वीडियो आने वाली थी वो थोड़ी जल्दी आने वाली थी, पर कुछ मतलब एडिटिंग के कारण ये वीडियो जल्दी नहीं आ पाई, तो मैं वापस शूट कर रहा हूँ इस वीडियो को, फिर मैं वापस डालूंगा। तो वैसे जो मैं ये 2020 वैगनर लाया हूँ इसके मैं पूरे फीचर्स करूँगा, क्यों ली है मैंने ये भी सारा, मतलब जितनी होती है ना सारी की वजह, क्यों ली गाड़ी की, क्या है, कैसी है, अब तक क्या क्या चेंजेस करे गए हैं, सारे मैं आपको बताऊंगा। तो पहले आप सिनेमैटिक एंजॉय करिए, बाकी सिनेमैटिक मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि कैसे लगे। तो आप सिनेमैटिक एंजॉय करिए, फिर चालू करते हैं हम वीडियो को। Like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for. All is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it. चलिए शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो को। तो सबसे पहले ये जो वैगनर है हमारा, ये 2020 मॉडल रहने वाला है, 2 महीने पुरानी है गाड़ी। वैसे इसमें क्या क्या चेंजेस कर दिए ये भी बता देता हूँ मैं, और जो अपनी पुरानी वाली वैगनर थी 2019 वाली और 2020 में, उसका भी कंपैरिजन बनाऊंगा। तो पहले मैंने सोचा कि इसी में ही हम बना लेते हैं जो 2020 वाली है, इसका पूरा रिव्यू देते हैं, फिर दोनों का कंपैरिजन कर देंगे, ठीक है। तो इसमें जैसे तो मैंने आपको बताया कि जो जो मॉड्स होंगे इसमें, जैसे मैं आने वाले फ्यूचर में जो जो मॉडिफिकेशन कराऊंगा वो सब आपको दिखाऊंगा। तो पहले अभी ये गाड़ी सादी है, उतनी कुछ नहीं है, बस मैंने अभी इसमें स्पीकर चेंज कराए हैं, वो या तो आने वाली वीडियो होगी या आ चुकी होगी वीडियो, तो जैसा होगा वो तो आप देख लेना, पर मुझे लगता है शायद से आने वाली ही वीडियो होगी क्योंकि वो भी शूट पड़ी है। पहले ये डाल देता हूँ फिर स्पीकरों की डालूंगा मैं। तो सबसे पहले जो मेरा ये लेने का वजह था वो इसलिए था कि जो वैसे देखो यार बजट फ्रेंडली कार है ये, ठीक है, एक तो सबसे पहली बात, और मैं बताऊं इंडिया में हमारे पास सबसे ज्यादा मिडिल क्लास फैमिली वालों के पास ये गाड़ी होती है, और हर बच्चे का मतलब जैसे एक हर लड़के का ख्वाहिश होती है कि भाई मैं मॉडिफिकेशन करा सकूं बजट फ्रेंडली में। तो सब मैं बताऊंगा आपको कि सिर्फ मेरा यही वजह था लेने का, और ठीक है मेरे को यार स्विफ्ट भी मिल रही थी, पर यार स्विफ्ट ना बहुत ज्यादा हो गया और उसमें बहुत ज्यादा मॉडिफिकेशन हो गया, इसलिए मैंने सोचा कुछ नया करते हैं और नया लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, सबसे पहले मैं आपको इसका रिव्यू देता हूँ पूरा। तो इसमें जो हमारी हेडलाइट रहने वाली है, इसका आप डिज़ाइन देख लीजिए, पूरा ओवरऑल चेंज कर दिया है। इसमें जो हमारी वो बल्ब रहने वाला है ये हेलोजन है, आने वाले फ्यूचर में मैं इसमें HID डलवा दूंगा, उतना बढ़िया रिस्पॉन्स नहीं है इसका, पर ठीक है जो स्टॉक देती है कंपनी वैसा ही है, ठीक है, मतलब वही है और क्या। और बाकी तो जो इसमें ये हमारी इंडिकेटर है उसकी प्लेसमेंट यहाँ पे और साइड वाले पैनल में कर दी गई है। जो हमारे ये हैं मिरर, साइड मिरर, इसमें हमें इंडिकेटर की प्लेसमेंट नहीं दी गई है, ठीक है। ये हमारा VXI मॉडल है ये 2020 वाला, और ये जो हमारे फॉग लैंप्स हैं ये कंपनी प्रोवाइड कराती है एज एसेसरीज, या दूसरे मॉडल हो गए तो उसमें प्रोवाइड हो जाते हैं, पर इसमें प्रोवाइड नहीं किए गए हैं। तो ये आने वाले टाइम में मैं वैसे भी अगर मैं कंपनी से एसेसरीज में लेता तो वो नॉर्मल हेलोजन वाला देते, पर मुझे लगवाना है इसमें प्रोजेक्टर वाला, तो वो आने वाले टाइम में मैं लगवाऊंगा, तो इसमें अभी कंपनी ऑप्शन नहीं देती है। अपने ग्रिल की लुक देख लीजिए, बिल्कुल ओवरऑल चेंज कर दी गई है, और इसमें जो हमें क्रोम का बीच में पार्ट दे दिया गया है तो वो बिल्कुल अलग कर दिया गया है। तो ग्रिल का अपना लुक चेक कर लीजिए, वैसे तो इसमें क्रोम का भी ऑप्शन आता है, आप वो चाहें तो आफ्टर मार्केट लगवा सकते हैं, कंपनी भी प्रोवाइड कराती है पर करा सकते हैं। और ये जो अपना नीचे वाली ग्रिल का लुक चेक कर लीजिए, इतना तो कुछ खास नहीं है, और मैंने बाकी ये बम्पर गार्ड्स थोड़े लगवा रखे हैं ताकि यार सेफ्टी रहती है इससे थोड़ी, मान लो मैं कटिंग करते टाइम कुछ भी हो गया तो थोड़ा मतलब एक होती है ना कि सेफ्टी रहती है, तो वो है ये चीज़। और तो बाकी इसमें वैसा कुछ नहीं है,
तो आगे की आपने लुक चेक कर ली, मैंने आपको बता दिया इसमें नो हेलोजन ही है जो हमारा टायर साइज रहने वाला है। ये तो वैसे कंपनी ने MRF का टायर दिया, ये जो टायर है इसका आप नंबर चेक कर लीजिए 165/70 बी 14 इंची टायर है। ये हमारे नॉर्मल व्हील कैप्स रहने वाले हैं, जो LXI मॉडल होता है उसमें कंपनी हमें व्हील कैप्स नहीं प्रोवाइड कराती, एज एसेसरीज प्रोवाइड करा देती है पर अभी प्रोवाइड नहीं करा रखी है। ये मैंने थोड़ी आफ्टर मार्केट ना साइड बिटिंग होती है वो लगवा रखी है, इससे थोड़ा लुक सही आता है। वैसे देख लीजिए इसमें नॉर्मल वाली भी आती है पर ये वैगनर वाली मतलब थोड़ा लिखा हुआ उस पर है तो डिजाइन सही आ रहा है इसमें। और तो बाकी जो हमारे मिरर्स हैं ये हमारे ORVM नहीं है पर अंदर से इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल है, हम इसे चाहे तो एडजस्ट कर सकते हैं। ये हमें बॉडी कलर में ही मिल जाते हैं। और अपना रेन वाइजर देख लीजिए, मैंने क्रोम वाला डलवा रखा है, वैसे तो ये क्रोम ठीक है, ओवरऑल एक्सपीरियंस बढ़िया है। ये मेरा कवर से निकल गया था थोड़ा, इस पर गाड़ी पर कवर ओवर डालते, गाड़ी इतनी चलती नहीं है अभी तो ज़्यादा चलाता हूँ मैं ही, तो कवर वगैरह डाल देता हूँ। अपना एंटीना का आप लुक देख लीजिए, ठीक है नॉर्मल वाला रहने वाला है, हमें शार्क फिन एंटीना प्रोवाइड नहीं किया गया है। और जो हमारे ये साइड में डोर्स वाले होते हैं ये हमें मैट कलर में ना होके बॉडी कलर में प्रोवाइड करे गए हैं। और अपना मैंने ये जो डोर गार्ड्स होता है कहीं भी मतलब दरवाजों को स्क्रैच वगैरह से बचाने के लिए तो वो लगा रखे हैं कि जैसे कोई भी खोले कहीं लगभग ना जाए, तो इसलिए मैंने वो लगा रखे हैं। बाकी तो ऐसा कुछ नहीं करा रखा, बाकी आप इसकी हाइट चेक कर लीजिए, मैं आपको नीचे से भी कराता हूँ जस्टिफाई हो रहा होगा कि इसकी हाइट कैसे कर दी गई है। वैसे तो पीछे से हुडी भी लग रही है हल्की सी पर ठीक है। और इसकी टेल लैम्प देख लीजिए लंबी वाली कर दी गई है ठीक है। और जो पहले वैगनर अपनी बैजिंग प्रोवाइड करा करती थी सुजुकी वैगनर की, यहाँ पे LXI VXI की बैजिंग प्रोवाइड करती थी पर वो नहीं की गई है, सिर्फ अपना यहाँ पे वैगनर की बैजिंग कर दी गई है। सुजुकी की लोगो आपको दिख गया होगा, ये तो बाकी नंबर प्लेट है अपना थोड़ा। और पीछे भी मैंने वो बम्पर गार्ड्स लगवा रखे हैं, कंपनी फिटेड इसमें सेंसर्स आए थे पर कैमरा नहीं आया, कैमरा मेरे को इन फ्यूचर लगवाना है। पर अभी मैंने सोचा कि सादी गाड़ी आपको दिखाता हूँ धीरे धीरे, पहले आप वो देख लो। अपना ये जो हमारे मडफ्लैप रहने वाले हैं ये मैंने कंपनी से एज एसेसरीज में लिए थे जो सीट कवर वगैरह के साथ मिलते हैं ठीक है। बाकी अपना टायर का लुक और मडफ्लैप का लुक आप चेक कर लीजिए ठीक है। और तो वैसा ऐसा कुछ है नहीं इसमें, पीछे हमें स्पॉइलर का ऑप्शन मिल जाता है, आफ्टर मार्केट आप चाहो तो लगवा सकते हो पर इसमें नहीं लगा रखा है मैंने अभी। अभी मैंने आपको बताया जैसे धीरे 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 सारा कुछ लगाऊंगा तो वो है, इस पर थोड़ी मिट्टी जम गई है तो माइंड मत करना। और तो बाकी देख लो ऐसा कुछ मैंने अभी मॉडिफिकेशन नहीं कराई है जो आप सोचो। और तो बाकी अपनी आपने टेल लैम्प्स की वो देख ली, बाकी पीछे हमें मिरर में यहाँ पर लाइट प्रोवाइड कर दी गई है, ये अपने आप इसकी लुक चेक कर लीजिए। वैसे ये नीचे ना करके ऊपर प्रोवाइड करी, यहाँ पे हमें जो डिज़ाइन दे रखा है ये मैं कलर में दिया है तो चाहे हम तो यहाँ पे भी हम अपना मैट कलर का करवा सकते हैं पर मैंने अभी धीरे धीरे नहीं। और यहाँ पे हमें की का ऑप्शन दिया है, वैसे तो गाड़ी में रिमोट आ रखा है ठीक है पर इसमें अभी की का भी ऑप्शन प्रोवाइड किया गया है कि अगर मान लो ना गेट वगैरह खुले तो की का ऑप्शन प्रोवाइड कर दिया गया है। तो भाई जो ये हमारी वैगनर 2020 वाली है तो मैं इसका आपको बूट स्पेस चेक कराता हूँ। वैसे तो कंपनी ने इसमें रूफ रेल्स नहीं दिया है और पुरानी वाली से इसमें हाइट भी बढ़ा दी है तो मैं वैसे तो आपको दिखाऊंगा कि पुरानी वाली में क्या चेंजेस थे और नई वाली में क्या कर दिया है, तो मैं आपको बूट स्पेस चेक करा देता हूँ बाकी इसमें कितना बूट स्पेस है। तो चलिए दिखा देता हूँ, तो अपना कुछ ऐसा बूट स्पेस रहने वाला है इसमें, वैसे सामान वगैरह पड़ा हुआ है तो माइंड मत करना ठीक है। और बाकी बूट स्पेस आप चेक कर लीजिए, जो हमारी पार्सल ट्रे है ये कंपनी वाली ही रहने वाली है, हमें डिक्की वाला जो लैंप होता है वो उसका ऑप्शन प्रोवाइड नहीं कराया गया है। और बाकी तो ऐसा कुछ है नहीं, पीछे देख लीजिए धीरे धीरे यहाँ पे मैं सब वूफर वगैरह रख रहा हूँ तो वो तो आपको पता ही चल जाएगा, ये थोड़ा टिश्यू वगैरह पड़े हैं। और ये जो अपनी ट्रे रहने वाली है ये कंपनी वाली ही रहने वाली है पार्सल ट्रे, तो पहले आप देख लिया होगा आपको जस्टिफाई हो गया होगा कि डिक्की में कितनी स्पेशियस है कितनी स्पेशियस नहीं है। वैसे तो ये 2020 पेट्रोल वाला है, तो चलते हैं गाड़ी के अंदर और उधर के ही फीचर जान लेते हैं। तो भाई आ चुका हूँ मैं गाड़ी के अंदर, तो गाड़ी तो वैसे अभी ऑफ है तो मैं ऑन कर देता हूँ ठीक है। तो ये अपना कुछ अंदर से लुक रहने वाली है इसकी, वैसे तो आपने सिनेमैटिक में थोड़े बहुत तो देख ही लिया होगा, वैसे ऐसे कुछ अंदर से लुक है। ये जो हमारे सीट कवर्स हैं ये हमने कंपनी से लिए थे, ये थोड़े बर्फी स्टाइल वाले जो होते हैं वो है ठीक है। और अपना देख लीजिए ऐसे कोई मतलब ठीक लगे थे यार मुझे सीट कवर, इसलिए मैंने कंपनी से ले लिया और कंपनी से थोड़ा सही रहता है मतलब ठीक है यार लुक ओवरऑल। ये थोड़ी मैंने सीट बेल्ट लगा रखी है क्योंकि
पता ही है यार सेंसर वगैरह होते हैं, पैम 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 पैम, मुझे पसंद नहीं है वो आवाज, ठीक है, इसलिए सीट बेल्ट लगा के छोड़ दी। ये अपना आर्मरेस्ट है, ये जो मैंने पीच कलर में लगवाया था, ये अपना आफ्टर मार्केट ही लगवाया था, इसके अंदर थोड़ा सामान वगैरह पड़ा है। ये भी काफी स्पेशियस है और सही प्राइस में मिल गया, इसलिए लगवा दिया ये मैंने, ठीक है। और अपना ऐसा कुछ हैंडल का लुक देख लीजिए। वैसे ये जो हमारा हैंडल है ये मैनुअल एडजस्टेबल वाला है, मैं आपको एडजस्ट करके दिखाता हूँ। ये देख लीजिए, ये अपना हम जहां मर्जी चाहे वहां एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अपना मीटर की लुक देख लीजिए। वैसे ये ZXI मॉडल में अलग आता है थोड़ा मीटर, पर इसमें थोड़ा अलग ही दे रखा है। और अपना जो स्टीरियो है वो कंपनी फिटेड ही है, क्योंकि ये VXI मॉडल है तो इस पे आता है। ये ब्लूटूथ को भी, वो जैसे होता है ना, क्या बोलते हैं, इसमें ब्लूटूथ भी सपोर्ट होता है, ऑक्स भी होती है, USB भी होता है, ठीक है। ये ऑक्स और USB का पोर्ट हमें यहाँ पे दे रखा है, ये बाकी तो ऐसा कुछ है, ठीक है। अपना स्टीरियो यहाँ पे हम चाहें तो अपना जो हमारा टच स्क्रीन होता है एंड्रॉयड स्टीरियो वो भी लगा सकते हैं। अपने यहाँ पे फोन होल्डर टाइप का आप देख लीजिए, स्पेशियस ठीक दे दिया यार फोन रखने के लिए। और बाकी 12 वोल्ट का चार्जर, और ये अपना कुछ AC कंट्रोल जो कि मैनुअल ही रहने वाले हैं। कप होल्डर हमें यहाँ पे दे दिए गए हैं, पर मैंने ये रख दिया था थोड़ा परफ्यूम वगैरह, ठीक है। और ये अपना हैंड ब्रेक की आप लुक चेक कर लीजिए। जो हमारे पिलर्स हैं ये मैंने ब्लैक कलर में ही कंपनी से ही करवा दिए थे, वैसे कंपनी दे देती है, अगर आप LXI मॉडल लोगे तो उसमें ये कंपनी नहीं देती है। अपना जो डैशबोर्ड रहने वाला है और गाड़ी का इंटीरियर, ये दो कलरों में है, एक तो पीच और एक ब्लैक। तो अपना कुछ आप लुक चेक कर लीजिए। वैसे तो गाड़ी अभी 703 किलोमीटर चली है, ऐसा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई है यार। और वैगनर में क्या प्रॉब्लम आएगी, मारुति यार वैसे ही जेन्युइन है, ठीक है, तो सबका भरोसा भी है। एक मेरा मोटिव गाड़ी को लेने का इसलिए भी था, मैंने आपको बताया कि एक तो मारुति पे ट्रस्ट है, और दूसरा यार मैं बता रहा हूँ हर एक घर में मतलब वैगनर होती है, और ठीक है उसके बाद हर लड़के का मन होता है जो शौकीन बंदे होते हैं कि मॉडिफिकेशन करा सके, पर घर वालों से इतने पैसे नहीं मिल पा रहे, तो वैसे ही मैं बजट फ्रेंडली इसमें मॉडिफिकेशन कराऊंगा, उससे गाड़ी की लुक देखना बिल्कुल चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे मॉडिफिकेशन कराऊंगा ताकि आप भी करा सको उस मॉडिफिकेशन को, तो कराएंगे तो वो तो जैसे जैसे कराएंगे आपको पता चली जाएगा। तो थोड़ा सपोर्ट करो यार, और सब्सक्राइब लाइक करो, तो जैसे जैसे सपोर्ट मिलता जाएगा, आप लोगों का प्यार बढ़ेगा, वैसे वैसे हम अपनी गाड़ी को मतलब और बढ़िया बनाते चले जाएंगे। तो जो हमारा साइड मिरर है ये थोड़ा अलग कर दिया गया है, ये अंदर से एडजस्टेबल है, तो आप अंदर से देख लेना, एडजस्टेबल है ये थोड़ा। और बाकी जो हमारा ये है चाइल्ड लॉक दे रखा है, लॉक अनलॉक का बटन दे रखा है, पावर विंडो दे रखी है, और ये अपना गेट खोलने लॉक अनलॉक का, यहाँ पे हम चाहें तो एक्स्ट्रा स्विच लगवा सकते हैं, लाइट एडजस्ट करने का हमें बटन दे रखा है, यहाँ पे स्विच दे रखा है। AC वेंट्स की आप कुछ लुक देख लीजिए, कुछ ऐसे प्लेसमेंट की गई है इसकी। डोर में हमें कप होल्डर मिल जाता है, अभी यहाँ सैनिटाइजर पड़ा है ड्यू टू कोरोना वायरस, ठीक है। और यहाँ पे हमारा कुछ ये मैट कलर में दे दिया, ये मैट में दे दिया, ये थोड़ा जो दरवाजे का गत्ता है उसी में ये है, ठीक है यार ओवरऑल पहले से सही कर दी गया। और अपने जो हमने मैट डलवा रखे हैं ये नॉर्मल वाले ही डलवा रखे हैं जो घास वाले होते हैं, ठीक है। इसमें यार वो होता है थोड़ा मिट्टी वगैरह दिखती नहीं, आने वाले टाइम में इसे भी चेंज करा देंगे, पर ठीक है अभी जो है वो चल रही है, स्टॉक ही है वैसे गाड़ी, अभी बस स्पीकर दो मॉडिफिकेशन कराए और कुछ नहीं कराया, अभी धीरे धीरे सारे कुछ कराएंगे, ठीक है। और अपना ऐसा तो कुछ जो गाड़ी रहने वाली है अपनी पेट्रोल वाली रहने वाली है, 5 स्पीड वाली मैनुअल गियर वाली, और बाकी 12 वोल्ट का चार्जर मैंने आपको दिखाई दिया। पीछे का अपना लुक चेक कर लीजिए, वैसे तो गाड़ी की अभी पन्नी तक नहीं उतरी है, आगे की थोड़ी बेकार लगती है इसलिए मैंने उतार दिया, यहाँ पे थोड़ा कपड़ा पड़ा हुआ है माइंड मत करना। और अपना मैट्स की लुक चेक कर लीजिए, पीछे मैं आपको लेग रूम दिखा दूंगा कि कितना है कितना नहीं है, ठीक है। और तो बाकी ठीक ही है यार, लेग रूम वगैरह सब सही है गाड़ी में। वैसे देखो मेरा, देखो आराम से मैं, अभी मैंने सीट थोड़ी आगे कर रखी है, अब मैं पीछे कर लेता हूँ तो आराम से मेरे पास लेग रूम है जितना मैं चाहूँ, ठीक है। और तो वैसे गाड़ी में जो हमें लैंप प्रोवाइड करा गया है ये हमारा नॉर्मल हेलोजन वाला ही है बल्ब, इसमें जो हमें वैनिटी प्रोवाइड करी है, दूसरे साइड पे मिरर है, जो पहली साइड है ड्राइवर साइड यहाँ पे मिरर प्रोवाइड नहीं की गई है, ठीक है यार जो है कंपनी ने सही दे रखा है। और तो बाकी इसमें जो हमारा 3 मॉडल आते हैं LXI VXI ZXI, VXI ज्यादा वैल्यू फॉर मनी रहता है तो इसलिए ले भी लिया, और थोड़ा इसमें अगर मॉडिफिकेशन कराओ तो सही रहता है। LXI यार पूरा खाली देते हैं, पूरा खाली, तो वो मुझे पसंद नहीं, ना पापा को पसंद था, तो पापा ने कहा यार VXI ठीक है, और यार रनिंग के लिए मतलब दूर ले
चाहे लॉन्ग रूट पे ले जाओ चाहे पास में चलाओ, एवरेज तो वैसे ही बड़ी आती है। एवरेज वैसे ये मुझे दे रही है करीबन, वैसे तो मैंने ऐसा कुछ चेक नहीं करा पर ठीक ही दे रही है यार एवरेज। मैं दिखा देता हूँ आपको, अभी इसमें शो नहीं हो रही एवरेज कि कितने किलोमीटर पर आवर की दे रही है, वैसे तो 15 की दे रही है अभी एवरेज, देख लीजिए 15 की अभी। ठीक है यार, गाड़ी की अभी सर्विस भी नहीं हुई है, सर्विस होने के बाद क्या पता ज्यादा दे दे, ठीक है अभी तो इतनी ही दे रही है। पीछे का बाकी मैं आपको लेगरूम चेक करा देता हूँ कि कितना है, और बाकी आपको गाने का रिस्पॉन्स सुना देता हूँ, और बाकी मेरा आपने रिव्यू जान ही लिया कि ओवरऑल बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है, ठीक है। और पीछे मैं आपको लेगरूम की तरफ लेके चलता हूँ, तो अपना पीछे कुछ ऐसा है, चेक कर लीजिए। यहाँ पे हमें पावर विंडो प्रोवाइड की गई है, यहाँ पे जो हमारे बोतल होल्डर्स हैं वो प्रोवाइड किए गए हैं, ये हमारे स्पीकर का वो रहने वाला है। लेगरूम तो यार वैसे देख लो ठीक ही है यार, लेगरूम मतलब 6 फीट के लिए बहुत आराम से, और ऊपर भी देख लो वैसे मैं इतना हूँ, ये देखिए कितना स्पेशियस है, ठीक है। और बाकी तो देख लीजिए अंदर लेगरूम यार बहुत है, बहुत ज्यादा, मतलब मेरी हाइट होगी 5'5" या 5'6" होगी, बहुत है यार लेगरूम, ठीक है। मतलब वैगनर यार लेगरूम और हेडरूम के लिए मानी जाती है, तो ठीक है यार वैसे ओवरऑल गाड़ी बढ़िया है, ठीक है। मुझे ऐसे कोई दिक्कत तो आई नहीं, और वैगनर में यार किसको ही दिक्कत आई ये बताओ, ठीक है। तो मैं आपका सुनाता हूँ इसकी स्पीकरों की आवाज और गाड़ी। मोमेंट्स लेटर देखो जो मेरा गाड़ी का लेने का एक्सपीरियंस है, तो वो तो ओवरऑल मतलब बढ़िया था, तभी मैंने सोच समझ के लिया गाड़ी, और ऐसा कुछ मैंने सिर्फ इसलिए ली गाड़ी, एक तो मारुति मतलब जेन्युइन प्रोडक्ट्स है, ठीक है, और मैं लेने को मैं स्विफ्ट ले सकता था, पर मार्केट में आजकल हर कोई बंदा स्विफ्ट को करा रहा है मॉडिफिकेशन, वैगनर हर किसी के पास होती है, तो इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन करा के दिखाएंगे कि कैसे कैसे बजट फ्रेंडली हम मॉडिफिकेशन करा सकते हैं और कैसे हम अपनी गाड़ी की लुक बढ़ा सकते हैं। तो या थोड़ा प्यार दिखाना, तो मैं भी धीरे धीरे मॉडिफिकेशंस की वीडियो ला सकूंगा, ऐसी सपोर्ट करना, लाइक करना और कमेंट करना, ठीक है। तो और बाकी जैसे जैसे मैं कराऊंगा, और मैं ऐसा कराऊंगा कि बजट फ्रेंडली मतलब बजट फ्रेंडली मॉडिफिकेशन कराऊंगा कि जैसे आप सब करा सकते हो, अगर मान लो मैं अलॉय लगाता हूं तो ऐसे प्राइस पर लगवाऊंगा कि हर बंदा अफोर्ड कर पाए उसको, मतलब ये नहीं कि हाई एंड एकदम अलॉय लगाता हूं ओनली वन इन इंडिया करता हूं, वो चीज़ नहीं करनी यार, वो चीज़ यार सब कर रहे हैं, अगर आपको यूट्यूब पे देखनी है देख लीजिए सब कर रहे हैं वो, तो हम थोड़ा इसमें करेंगे मतलब हटके काम करेंगे और कम प्राइजेस में, ताकि हमें देख के सब इन्फ्लुएंस हो सके और सब मतलब करवा सके वैसी सब मॉडिफिकेशन। तो ऐसा तो कुछ आपने गाड़ी का लुक चेक कर ही लिया होगा, ठीक है यार VXI मैंने मॉडल लिया था और तो ठीक ही है वैसे, और चलने में यार बहुत मतलब सही है यार रिस्पॉन्स, 1.2 लीटर आया, ठीक है। और अपना नीचे का कुछ ग्राउंड क्लियरेंस देख लीजिए इतनी है कुछ, ठीक है। यहाँ पे हम चाहें तो टोइंग बेल्ट लगवा सकते हैं, अभी वो धीरे धीरे आने वाली वीडियो में लगेगी, ये हमें सेंसर कंपनी से ही प्रोवाइड कर दिए गए थे, ठीक है। और दरवाजा थोड़ा खुला है तो माइंड मत करना, ठीक है। तो जो हमारे स्पीकर्स हैं गाड़ी के, ये अपने दो तो स्टॉक रहने वाले हैं, और जो दो मैंने बदलवाए थे तो वो उसकी तो आप वीडियो देख ही लोगे, पर अभी जो मैं उसका रिस्पॉन्स है वो सुना देता हूँ, ठीक है। वैसे तो मैंने सोनी के पीछे वाले गेट पे पीछे वाले दरवाजों पे 2 स्पीकर लगवाए थे, और आगे कंपनी वाले ही रहने वाले हैं, तो वैसे मैं आपको सुनाता हूँ NCS का। अगर आप लोगों को बेटर रिस्पॉन्स में जानना है तो आप इंस्टा पे जाइए, हमारी ID है lakshay.rayyt, और YT के पहले स्लैश है नीचे, मैं वैसे अपना इंस्टा हैंडल डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और सामने ID पे भी वो फ्लैश हो रहा होगा, ठीक है। तो आप वहां पे जाके बेटर रिस्पॉन्स में पंजाबी या हिंदी सॉन्ग में देख लेना, यहाँ पे तो हम NCS ही चला सकते हैं, तो NCS ही चला रहा हूँ, ठीक है। तो अपना आप देख लेना, और भाई तो चला दो गाने।
भाई आपको मतलब पता चल गया होगा कि आवाज कैसी है कैसी नहीं है। बाकी तो आपको अगर पंजाबी सॉन्ग पे मतलब सुनना होगा तो आप इंस्टा पे चेक कर लीजिए, वहां पे हम बेटर रिस्पॉन्स मतलब आ सकेगा। और तो ठीक है यार, आपने मतलब पता चल गया होगा कि कैसे हैं स्पीकर। दो मैंने सोनी के लगवाए थे और दो अपने स्टॉक रहने वाले हैं, और बाकी आने वाले में तो आपको पता चल ही जाएगा कि मतलब कौन से दो स्पीकर कौन सा मॉडल था क्या था, और आने वाले टाइम में सबवूफर वगैरह सब लगेगा। तो यार थोड़ा सपोर्ट दिखाओ और यार थोड़ा सब्सक्राइबर वगैरह बढ़ाओ, कमेंट लाइक करो, आपके प्यार बढ़ाओगे तभी हम आगे कुछ मॉडिफिकेशन वगैरह करवा पाएंगे। तो ऐसी सपोर्ट दिखाओ, ठीक है। तो भाई मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, होप करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। और तो बाकी लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली किसी वीडियो में।